नमस्कार, मैं हूं धनश्री, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीहोर जिले में वर्ष 2020 और 21 में 8,139 छात्र छात्राओं को 6,26,23,016 रुपए की छात्रवृत्ति तथा वर्ष 2021 और 22 में 1,294 छात्र छात्राओं को 1,08,57,657 रुपए की छात्रवृत्ति सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि बेटा बेटी को पढ़ाना, दूसरी जगह भेजना, पढ़ाई का खर्चा उठाना सभी माता पिता के लिए संभव नहीं होता है। किसान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वे बच्चों की शिक्षा आसानी से करा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलकत्ता से MBA कर रहे बुधनी के छात्र शुभम विश्वकर्मा के पिता सुजान विश्वकर्मा से VC के माध्यम से पढ़ाई के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सुजान सिंह से कहा है कि बेटे की पढ़ाई को लेकर निश्चिंत रहे, सरकार ने शुभम की फीस छात्रवृत्ति के माध्यम से जमा कर दी है। चौहान ने शुभम के पिता से व्यवसाय के बारे में जानकारी लेने पर पिता सुजन विश्वकर्मा ने बताया कि लकड़ी के खिलौने बनाने का छोटा सा व्यापार है और उसी में अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। बेटे शुभम की फीस 11 लाख रुपए से भी अधिक है। मैं उसे जमा करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद दिया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के अनेक बच्चे प्रतिभावान हैं, उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने संबल योजना बनाई है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी प्रतिभावान बच्चे पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। वर्ष 2021-22 में जिन बच्चों के एडमिशन लिया है उनकी छात्रवृत्ति के लिए नया पोर्टल बनाया है, उसमें आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन प्राप्त होने पर स्कॉलरशिप स्वीकृत कर उनका वितरण किया जाएगा। बुधनी से चांदनिया की रिपोर्ट। हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे बेटा बेटी जिनमें टैलेंट तो है लेकिन परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, अगर ये सरकार नहीं होती, मामा नहीं होता तो ये पढ़ाई हो पाती क्या? नहीं, इसलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, आप चिंता नहीं करें। शुभम को मेरा आशीर्वाद दे और शुभम, हाँ, शुभम की इच्छा है कोलकाता से आपके आपसे मिलना चाहता, जरूर मिलेंगे। परीक्षाएं पूरी हो जाएगी तो समय देंगे, शुभम को जरूर देंगे। ठीक है, जरूर मिलूंगा। ठीक है, तब और बात करेंगे आपको। बधाई बेटे की अच्छी पढ़ाई के लिए। मेरा नाम सुजान विश्वकर्मा है, मेरा लड़का बुधनी का निवासी हूँ। मैं लकड़ी का खिलौने काम है छोटा सा, जिसमें लड़के ने मेरी IIM कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा, जिसकी मुझे बहुत बड़ी राशि मतलब यहाँ से स्कॉलर के रूप में मिली है, जो मैं सोच भी नहीं सकता था, ना मेरे हाथ पैर टूट सकते थे कि मतलब इतनी बड़ी पढ़ाई में कर सकता था। शुभम विश्वकर्मा जो मेरा पुत्र है वो कलकत्ता में पढ़ाई कर रहा IIM की, तो मैं CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सारे ऑफिसरों का धन्यवाद, जिन्होंने बहुत मेरे को सहयोग किया। मेरे को कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर। ये मुझे 11,54,000 रुपये की जो राशि मिली है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मैं सोच भी नहीं सकता था इतनी बड़ी राशि मेरे बच्चे पढ़ाई के लिए मिल जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है, मैं वर्तमान में IIM कलकत्ता में MBA सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। आज मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुझे 11,54,500 रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की गई। चूंकि MBA की कुल फीस 23 लाख रुपए है, जिसमें से मुझे एक वर्ष की फीस स्कॉलरशिप के रूप में प्रदान की गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझे इस बात की जानकारी दी गई। चूंकि मेरा एग्जाम था इसलिए मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाया, परंतु मेरे पिताजी श्री सुजान विश्वकर्मा जी ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरह आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बना रहेगा। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।